इतना इतना पानी भर जाता है। 25 साल से विधायक हैं, 15 साल 20 साल से पार्षद हैं, लेकिन कार्य कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की सीवर भराओ। स्विमिंग पूल में हम लोग घूमे हैं फ्री में, यहाँ टिकट लगता है ब्लू वर्ड का। हम लोग चमनगंज बेकनगंज के एरियों में टिकट नहीं लगता, हम लोग ऐसे ही नहाते हैं, यहाँ स्विमिंग पूल बना रहता है जब बारिश यहाँ होती है। मछली भीड़ कैसे बुलाए बिरयानी के दम पर? ये समाजवादी कांग्रेसी बसपाई करते हैं, हम लोग बिरयानी पे बिकने वाले नहीं है, मोहब्बत है आवाम के माइम के लिए। ये असदुद्दीन उसी साहब का प्यार है, मजलिस के लिए प्यार है लोगों का, जो मजलिस के साथ पब्लिक जुड़ रही है। ना कोई बिरयानी ना कोई पैसा। जवानी में लग रहा है कहीं और थे, अब बुढ़ापे में MIM समझ में आई है? MIM दिल में है, हर आवाम के दिल में है। ये मुसलमान की अगर ये पार्टी नहीं है, ये गरीब शोषित वंचित वो जो लोगों ने पिछड़ गए हैं उनकी ये पार्टी है। उनको MIM तो समाप्त हो गई थी विधानसभा चुनाव, कह रहा समाप्त हो गई थी। MIM बहुत तेजी से आ रही है। आप जो शैतानों का नाम ले रहे हैं ना, उन्होंने मेरे आवाम को काटा है। जो सपा कह रहे हैं आप, उन्होंने मेरी नस्लों को तबाह किया है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। मैं निकला हूं लोगों का जायजा लेने के लिए कि मूड क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले नगर निगम के चुनाव को लेकर। कानपुर में मौजूद हूं, हालात कानपुर दिखाने के लिए और लोगों के मन को टटोलने के लिए। देखिए हमारे सामने एक आपको जनसंपर्क दिखाई दे रहा होगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से साहब जी। क्या क्या मुद्दा लेकर बीच में जा रहे हैं लोगों के? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की सीवर भराओ। और जो अभी पिछले महीने बारिश में जिस तरह से यहाँ पर स्विमिंग पूल में हम लोग घूमे हैं फ्री में, यहाँ टिकट लगता है ब्लू वर्ड का। हम लोग चमनगंज बेकनगंज के एरियों में टिकट नहीं लगता, हम लोग ऐसे ही नहाते हैं, यहाँ स्विमिंग पूल बना रहता है जब बारिश यहाँ होती है, इतना इतना पानी भर जाता है। 25 साल से विधायक हैं, 15 साल 20 साल से पार्षद हैं, लेकिन कार्य कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा जो है जनसंपर्क आप देखने की कोशिश करें। कैमरामैन अभिजीत से चाहेंगे कि वो पूरा दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है डोर टू डोर जो है लोगों से मुलाकात किया जा रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा, क्योंकि चुनाव सर पे है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोग जो है लोगों से मिल रहे हैं, कैसे बात कर आप हैं? देख रहे हैं घर घर जा करके लोगों से, गली कूचे में जा करके MIM का प्रचार हम लोग कर रहे हैं नौशाद भाई के लिए। यहाँ से नौशाद भाई खड़े हुए हैं चुनाव में, वार्ड 110 कर्नलगंज। MIM तो समाप्त हो गई थी विधानसभा चुनाव, कह रहा समाप्त हो गई थी। MIM बहुत तेजी से आ रही है, आपकी आप देखिए जनसंपर्क करिए गलियों में, MIM बहुत तेजी से बढ़ रही है। अंदर लेकर चलते हैं लोगों की, आइए अंदर लेकर चलते हैं। देखिए गलियों में जो है MIM के जो उम्मीदवार हैं वो सारे लोग जो है गलियों में जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं लोगों से। देखिए ये पार्षद प्रसाद हमारे नौसाद भाई हैं और हम लोग भाई मेयर प्रत्याशी हैं। हम लोग जनसंपर्क करें, घर घर बताना है, विजन बताना है कि हमें बलिस्टर वसीदीन साहब के विजन को बताना है। एक एक घर, एक एक आदमी, वन मैन, एक एक आदमी, कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसको हम लोग उनकी विजन न बता दें। जो वो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, भारत के लिए करें, भारत की मजबूती के लिए कर रहे हैं। 22 में लोग भटक गए थे, 70 साल से भटके हुए हैं और कुछ हमारे बीच के ऐसे चिड़िया हैं जो आके भटका रहे हैं और अभी भी भटकाने के काम करेंगे। लेकिन अब लोग ये, इसीलिए तो डोर टू डोर कैंपेन है ये। एक एक घर जाके हम लोग बताएंगे, अब भटकाना मुश्किल हो गया है, बल्कि नामुमकिन समझ लीजिए। यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं, घर घर मुलाकात कर रहे हैं, कैसे मतलब किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं? बस यही समझा रहे हैं कि हर पार्टी ने अपनी बिरादरी जात की तरफ देखा है। अब मुसलमानों का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि अब वो अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने परचम को बुलंद करें, अपनी जमीन को बनाएं, अपने प्लेटफॉर्म को बनाएं, ताकि जब तक तुम अपने प्लेटफॉर्म को नहीं बनाओगे तुम्हें इस मुल्क के अंदर भागीदारी नहीं मिलेगी। एक छोटा सा सवाल है, क्या इस गली में और कभी पहले आप आए थे जो आज सिर्फ चुनाव के टाइम नजर आ रहे हैं? नहीं, दरअसल मसला ये है कि हमारी पार्टी ने, बात नहीं है, हम लोग, हमारा ये नौसाद भाई, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक लोगों का काम आए, हम लोगों का हमेशा काम आए। काम के ही बुनियाद पे तो हम लोग वोट मांग रहे हैं, वैसी साहब भी काम के बुनियाद पे वोट मांग रहे हैं, यही तो असली बात है।
हर गली में आए, एक एक गली सब जान पहचान सब लोग एक-एक गलियों में जा रहे हैं। बिल्कुल एक एक गलियों में जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इस्तकबाल हो रहा है और यही लोगों के जहन में है कि इंशाल्लाह इस बार आप मुतमईन रहिए, हम लोग सिर्फ MIM पार्टी को वोट करेंगे और कानपुर से बड़ी मकदार में यहाँ से पार्षद जिताकर इंशाल्लाह पार्षदी उम्मीदवार है, शायद भावी उम्मीदवार है आप, किस तरीके से आप मैदान में हैं? इस तरीके से मैदान में सबसे मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, अवैसी साहब की बात बता रहे हैं और इंशाल्लाह सबके समझ में आएगी बात। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं बाहर। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा जनसंपर्क जो है वो कानपुर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है। डायरेक्ट जी ये अपना जनसंपर्क चल रहा है, जो हमारे यहाँ पे भावी प्रत्याशी हैं नौशाद भाई और हम लोगों के साथ में दो जो भावी मेयर प्रत्याशी चल रहे हैं, एक अपने साजिद सर जो कि बहुत पॉपुलर हैं और साथ में जेडे खान साहब, और ये पब्लिक का डोर टू डोर जनसंपर्क हम लोगों का चल रहा है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मजलिस भीड़ कैसे बुलाए, बिरयानी के दम पर या किस तरीके से? ये असदुद्दीन उसी साहब का प्यार है मजलिस के लिए, प्यार है लोगों का जो मजलिस के साथ पब्लिक जुड़ रही है, ना कोई बिरयानी ना कोई पैसा, आरोप लगता है ना बिरयानी पर इकट्ठा कर लेते हैं ये समाजवादी कांग्रेसी बसपाई करते हैं, हम लोग बिरयानी पे बिकने वाले नहीं है, मोहब्बत है आवाम के MIM के लिए। तो कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोग, किधर? पूरे वार्ड में हम लोग जनसंपर्क करेंगे नौशाद भाई के समर्थन में। सिर्फ एक वार्ड में? पूरे सारे वार्ड में, आज यहाँ का 110 का लगा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि समाजवादी बेहतर है। देखिए ये अपनी अपनी सोच है, अब आदमी इतनी बार धक्के खा चुका है, इतनी बार ठोकर खा चुका है, अगर अब भी आदमी नहीं समझ रहा है तो कब समझेगा? क्या मुंह तोड़ लेगा, सरवर फोड़ लेगा तब समझेगा उसके बाद? लेकिन जवानी में लग रहा है कहीं और थे, अब बुढ़ापे में MIM समझ में आई है? MIM दिल में है, हर आवाम के दिल में है। जो शैतानों का नाम ले रहे हैं ना, उन्होंने मेरे आवाम को काटा है। जो सपा कह रहे हैं आप, उन्होंने मेरी नस्लों को तबाह किया है, इसलिए आज AIM से मोहब्बत उभर आई है पूरे आवाम को। कैमरामैन अभिजीत से कहना चाहेंगे कि बिल्कुल पीछे जाएं और जन सैलाब देखिए ये किस तरीके से उमड़ा हुआ है जनसंपर्क के लिए। देखिए ये क्या कहना चाहेंगे, MIM ही सिर्फ MIM की कुछ और बेस्ट MIM है, सिर्फ MIM क्या चल रहा है जहन में? MIM क्यों है? राहुल गांधी है और सामने जो है अखिलेश यादव है, बहुत आगे देख लिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पानी जल भराव हमेशा रहता है, रोड खुदी रहती है, कुछ कार्य होता नहीं है यहाँ। तो मैं आपको ये जो जनसंपर्क है पैदल, ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। नहीं, हम लोग कानपुर के हर वार्ड हर गली में जाएंगे, जैसे कि हम लोग को समर्थन मिल रहा है, लोगों को इस वक्त एक वलवला है, एक जोश है कि हमारे लिए ओवैसी साहब संसद में बोल रहे हैं, संसद के बाहर बोल रहे हैं, तो हम उनके लिए क्यों ना खड़े हों और हम सब मिलकर उनको क्यों ना सपोर्ट करें। छोटी छोटी गलियों में तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। दिक्कत देखिए कैसा बना दिया गया है आज हमारे वार्ड को, कैसे बना दिया गया, 70 साल में सिर्फ ठगने का काम किया गया। मेरा वार्ड देखिए और दूसरे का वार्ड देखिए, विकास के नाम पे हम लोगों के साथ सिर्फ धोखा हुआ है। अब हमारी पार्टी, हमारी भागीदारी आएगी, हमारी हिस्सेदारी आएगी इंशाअल्लाह रहमान, जब हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, भागीदारी बढ़ेगी, तो हमारे साथ हर हक हक और हुकूक भी मिलेगा। क्या बात रखते हैं यहाँ पर, किस तरीके से बात करते हैं? भाई हैं, इनको भी ठगा गया, हम हमारे तो भाई हैं, इनका ना विकास के नाम पर क्या मिला, क्या समझाते हैं कि अब अपनी बारी है, हिस्सेदारी की बारी है, किराएदार नहीं बने रहेंगे, हम मकान मालिक बन के अब रहेंगे, अब हम देंगे, हम क्या विकास होता है हम बताएंगे, ये नहीं होगा कि माल रोड पे विकास होगा और यहाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब मार रोड पे भी विकास होगा, मार रोड पे सफाई होगा, तो चमनगंज बेगनगंज में भी कर्नलगंज में भी सफाई होगा, ये काम है अब हमारा। नारे के ही मुद्दा लेकर जाएंगे, ये मुद्दा इंशाल्लाह, यही मुद्दा हम लोगों का है विकास का, हम कवरेज करते हैं। देखिए ये आप देखिए किस तरीके से जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है और लोग डायरेक्ट जा रहे हैं, आवाम से मिल रहे हैं, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए डोर टू डोर मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी बिल्कुल, हमारे पारिवारिक है और इंशाल्लाह जो है आगे जीत भी होगी। MIM जी बिल्कुल, नहीं MIM के बारे में लोग बता रहे थे ये बिल्कुल बी टीम है, ये किसी काम के नहीं है। नहीं ये तो सभासदी चुनाव जो है क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, जो जिसको आदमी अच्छा समझता है उसको देता है, ये क्षेत्रीय चुनाव है, ये सच बात है और इसमें पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो चुनाव में गृह मंत्री भी पर्चा बांटते हैं, ऐसे चुनाव में गृह मंत्री भी जो है पर्चा बांटते हैं, तो जाहिर सी बात है
कैमरामैन अभिजीत और मोहम्मद जैफ भी दिखाने का काम करेंगे। जब गृह मंत्री जो है वो पर्चा बांट सकते हैं तो क्या हम कवरेज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, आप गली गली कवरेज करेंगे और गलियों में ही आपको देखने को मिलेगा कि क्या ओवैसी साहब का क्रेज है और यहाँ की जनता किस तरह से ओवैसी साहब को देखना चाहती है और उनके पार्षद और उनका मेयर इंशाल्लाह ये गलियों से निकल के चलिए हम आपको पूरा जो है ये चुनावी कैंपेनिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए, बिल्कुल डायरेक्ट गले तक पहुंच जा रहे हैं। जी 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 पतंग, अरे हमारे चचा हैं, हमारे बाप हैं, हमारे वालिद मोहतरम की तरह हैं। हर लोग हाथ जोड़ सकते हैं। नहीं, क्यों हाथ जोड़े भाई, क्यों हाथ जोड़े? हाथ जोड़ते जोड़ते तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हाथ जोड़ते थे पूरी जान लगा देंगे। अरे हम जान लगा देंगे मियां अगर जिंदा रहे। बता दूं, ये मुसलमान की आयकर की ये पार्टी नहीं है, ये गरीब शोषित वंचित वो जो लोगों ने पिछड़ गए हैं उनकी ये पार्टी है, उनको विकास की जरूरत है, उनको तंगलियां हैं, काफी तंगलियां हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और पीछे आप भीड़ भी देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ मौजूद है और कैमरामैन अभिजीत भी काफी संघर्ष कर रहे हैं। इस तरीके से गलियों में घूमना बहुत बड़ी बात हो जाती होगी। गलियों में इसलिए घूम रहे हैं कि जो वोट बैंक होता है वो ज्यादातर गलियों में होता है और वोट बैंक जो सड़कों का होता है वो सड़क वाला होता है, तो हम लोग गली गली जाके, क्योंकि हमारा नारा ही है हर घर मजलिस घर घर मजलिस। हर हर मोदी घर घर मोदी के जहाँ पर हर हर अवैसी घर घर अवैसी का नारा कानपुर के अंदर भी लोग लगाने लगे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से जनता बदलाव देखेगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद सैफ, कानपुर।